जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से द्वारिका गए, मथुरा, फिर मथुरा से द्वारिका गए, तो जो वृंदावन की किशोरी जी श्री राधा रानी थी, वह राधा रानी ही रुक्मणी जी के रूप में वहां पहुंच गई। तो जो राधा जी हैं वही रुक्मणी जी हैं, पहला। परंतु इसको ये कई जगह ये उल्लेख है, शास्त्रों में है, इसलिए हमने आपको ये बात कही कि राधा जी ही रुक्मणी हैं और रुक्मणी जी से भगवान ने विवाह किया तो राधा जी से। दूसरा, राधा जी से भगवान ने बचपन में ही विवाह कर लिया था, ब्रह्मा जी ने कराया था वृंदावन में, 84 कोस में भांडीर भट्ट है वहाँ ब्रह्मा जी ने कराया था, और गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में ये बात लिखी है। तो ये हो गया विवाह राधा जी का। अब प्रश्न ये खड़ा है कि भगवान रुक्मणी जी के साथ मंदिरों में नजर नहीं आते, केवल पंडरपुर में विट्ठल नाथ जी रुक्मणी जी के साथ खड़े हैं, बाकी हर जगह राधा कृष्ण ही, क्योंकि राधा जो है ना प्रेम की प्रतिमूर्ति है। राधा जी कौन है? प्रेम की प्रतिमूर्ति। और भगवान के बगल में राधा जी नहीं, प्रेम की स्वरूपा राधा जी खड़ी हैं। भगवान कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करेगा वही मेरे बगल में खड़े होने का अधिकारी होगा। राधा जी और रुक्मणी जी का एक और संबंध है। एक बार की बात है कि रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से एक संत जी आए, दुर्वासा जी, उनको लेकर के रुक्मणी जी आ रही थी तो उन्हें प्यास लगी तो भगवान ने पादप प्रहार किया तो रुक्मणी जी ने पानी पीना स्टार्ट कर लिया। रुक्मणी जी ने भगवान से नहीं पूछा कि आप भी पी लो, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी को भी नहीं, क्योंकि इतनी प्यास थी किसी से पूछने की फुर्सत नहीं थी। तब दुर्वासा जी ने कहा, रुक्मणी जी आपको जरा सी प्यास लगी तो आपने सबको भुला करके अपनी प्यास बुझाई और किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन 100 वर्षों से राधा रानी कृष्ण के वियोग में अपना खाना पीना पानी भोजन त्याग कर केवल कृष्ण कृष्ण जप रही हैं, इसलिए उस त्याग को प्रभु आप सम्मान दीजिए। तो राधा रानी के त्याग को सम्मान देने के लिए भगवान ने हर मंदिर में राधा रानी को स्थान दिया। वो त्याग की प्रतिमूर्ति है, 100 वर्षों तक त्याग किया है, 100 वर्षों के बाद मिलन हुआ। तो बहुत सारे ये कारण हैं। तो राधा जी और रुक्मणी जी को भेद दृष्टि से नहीं मानना चाहिए, मूल तत्व एक है, राधा ही रुक्मणी है, रुक्मणी जी ही राधा। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से द्वारिका गए, मथुरा, फिर मथुरा से द्वारिका गए, तो जो वृंदावन की किशोरी जी श्री राधा रानी थी, वह राधा रानी ही रुक्मणी जी के रूप में वहां पहुंच गई। तो जो राधा जी हैं वही रुक्मणी जी हैं, पहला। परंतु इसको ये कई जगह ये उल्लेख है, शास्त्रों में है, इसलिए हमने आपको ये बात कही कि राधा जी ही रुक्मणी हैं और रुक्मणी जी से भगवान ने विवाह किया तो राधा जी से। दूसरा, राधा जी से भगवान ने बचपन में ही विवाह कर लिया था, ब्रह्मा जी ने कराया था वृंदावन में, 84 कोस में भांडीर भट्ट है वहाँ ब्रह्मा जी ने कराया था, और गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में ये बात लिखी है। तो ये हो गया विवाह राधा जी का। अब प्रश्न ये खड़ा है कि भगवान रुक्मणी जी के साथ मंदिरों में नजर नहीं आते, केवल पंडरपुर में विट्ठल नाथ जी रुक्मणी जी के साथ खड़े हैं, बाकी हर जगह राधा कृष्ण ही, क्योंकि राधा जो है ना प्रेम की प्रतिमूर्ति है। राधा जी कौन है? प्रेम की प्रतिमूर्ति। और भगवान के बगल में राधा जी नहीं, प्रेम की स्वरूपा राधा जी खड़ी हैं। भगवान कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करेगा वही मेरे बगल में खड़े होने का अधिकारी होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।